कच्छी लेवा पटेल समाज भूजनी ईस्वीसन 1965 मां स्थापना थया पछी जागृतिनी शुरुआत थई। शिक्षण क्षेत्रे ज्ञातिने जागृत करवी जरूरी हती। लोको रूढ़िचुस्त जीवन में विश्वास करता हता। पारिवारिक रिवाजों भार लागवा मांड्यो। एक बाजू समाज लग्न बांधछोड़नी प्रवृत्ति माथी परिवर्तननी दिशा पकड़वा मथतो हतो, त्यारे नव युवानों मां पायाथी वैचारिक बदलावनी जरूर हती। समाज स्थापना ने 7 वर्ष पछी ईस्वीसन 1972 मां कच्छी लेवा पटेल युवक संघनी स्थापना थई। आ अरसामां लेवा पटेलों मां शिक्षणनु प्रमाण नहिवत हतुं। 4 चोपड़ी भणेलाने होशियार लेखावाता हता। अल्प शिक्षित लेवा पटेल समाजना अमुक तेजस्वी छात्र छात्राओ उच्च अभ्यास माटे मुंबई रहता हता। अंधश्रद्धा वहेन सोबत संतानों ने समय आपी उछेरवानी बाबते जागृतिनी खूब जरूर हती। ते विषे विचार करी ईस्वीसन 1970 मां कच्छी लेवा पटेल युवानों द्वारा पुस्तिका प्रगट करवामां आवी हती अने प्रथम समिति जाहिर करवामां आवी। तारीख 9/9/1970 कच्छी लेवा पटेल युवानोना भविष्य माटे परिवर्तक साबित थई हती। मुंबई भणता लेवा पटेल ज्ञातिना युवकोए ते वक्ते एक नानी पुस्तिका बहार पाड़ी युवक संघनी स्थापनाना हेतु ज्ञातिना साक्षरों समक्ष प्रगट कर्या हता। प्रथम प्रमुख तरीके सीए फाइनल में अभ्यास करता मूळ सामत्रा गामना नवयुवान रामजी रवजी पटेले सुकान संभाळ्यो। बीटेक 4th वर्ष में अभ्यास करता सामत्रा गामना प्रेमजी हरजी वरसाणी नाथालाल रामजी शियाणी बीई बीजा वर्ष में हता। नारणपरना चंद्रिका अर्जन रत्ना जेवी तेजस्वी लेवा पटेल दीकरीओ पण युवक संघनी स्थापना में पायाना पत्थर बनी हती। आम तो तारीख 9/9/1970 कच्छी लेवा पटेल युवक संघनी स्थापना थई चुकी हती, पण बंधारण पसार करवू बाकी हतु। मुंबई सार्वजनिक ट्रस्ट रजिस्ट्रेशन नंबर F67 सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन नंबर गुजरात 3/1973 कच्छ थी युवक संघ संस्था रजिस्टर थई हती अने बंधारण उपर चेरिटीनी मंजूरीनी मोहर लागी। बंधारण मुजब कच्छी लेवा पटेल युवक संघनी स्थापनाना हेतुमां ज्ञातिमां शिक्षणने वेग आपे तेवा केळवणीने लगता दरेक प्रकारना कार्य हाथ धरवा, केळवणीने उत्तेजन आपवा, बाल मंदिर विद्यालय महाविद्यालय चलावा, समाजमां सांस्कृतिक सामाजिक शारीरिक नैतिक औद्योगिक प्रवृत्तिओ विकसावी, देशोन्नतिना कार्यमां भाग लेवो तथा तेमां सहायभूत थवुं। बंधारणीय हेतु ने साकार करवा युवक संघे परदेश जता ज्ञाती भाइयों ने बनती सगवड़ करी आपवा मददरूप थता। समाज में वैचारिक बदलाव माटे व्याख्यानों वार्तालापों निबंध हरीफाइयों पर्यटनों योजता हता। दरेक गाम में एक एक बाल मंदिर एक कन्या शाला एक प्राथमिक शाला एक पुस्तकालय तेमज सार्वजनिक दवाखानु बनी शके ते माटे समाजना दानवीरोनी मददथी भंडोळ एकत्र करवा प्रेरणा आपी हती। समाजमां गरीब परंतु होशियार विद्यार्थी विद्यार्थिनीओने वधु अभ्यास माटे शिष्यवृत्ति इनामो आपवा लाग्या, तेनाथी शिक्षण मेळववानी अभिरुचि वधवा लागी हती। शिक्षणने बळ आपवा ते वखते मेट्रिक पास होय तेज युवक संघनो सभ्य बनी शकतो। युवक संघना सभ्योए खूब उत्साहथी बंधारण मुजबना कार्यो हाथ धर्या हता, जेमां ईस्वीसन 1974 मां कच्छी लेवा पटेल संदेश नामनू त्रिमासिक मुखपत्रनो सौ प्रथम अंक बहार पड़ायो। तेना प्रथम तंत्री आर.आर. पटेल हता अने ते वक्ते कच्छी लेवा पटेल समाजना प्रमुख जादवजी शिवजी हिराणीए आ अंकनू विमोचन कर्युं हतुं। युवाओना कार्यों थी वडीलो राजी थता हता। साव अभण
अंगूठा छाप उपेक्षाकृत जीवन सहन करनार वडीलो जारे मंच ऊपर संतानोनी प्रवृत्तियों जोता त्यारे हयुं भराई आवतु अने छाती गजगज फूलती हती। एसीना दायकामा श्री कच्छी लेवा पटेल युवक संघे 24 वस्ती गणतरीनुं काम हाथ धर्युं अने घरो घर फरी बधाना नाम लख्या। ते वक्ते 24 कणबीनी वस्ती 34,875 हती, जेमा 17,666 पुरुषों 17,209 स्त्रीओनो समावेश थतो हतो। ते वक्ते युवक संघनी प्रवृत्ति में नारणपर गामना अर्जण रत्ना भूड़िया आर्थिक बल पूरु पाड़ता हता। युवक संघे ते वक्ते सरकारी अन्याय सामे अवाज उठाव्यो हतो। 1975-76 में एक बनाव बन्यो। साचा अने योग्य काम माटे सप्लाय ऑफिसरे एक लेवा पटेल ज्ञातिजन पासेथी रुपया 4,000 ते वक्ते मोटी कही शकाय तेटली रकमनी मांगणी करी। तेनो विरोध करता युवानोए मोर्चो काढ्यो। कच्छमां डॉक्टर महिपतराय मेहता सांसद हता, तेने अने कलेक्टरश्रीने फरियाद कराई, काजी सस्पेंड कराई। बीजा एक बनावमां नारणपर गामना परबत नारायण वेकरियाना पत्नी मोम्बासामां गुजरी गया बाद तेओ प्रथमवार कच्छ आवता हता, त्यारे पत्नीना हाथमां पहेरवानी चूड़ी लई आवेला। हाथी दांतनी आ चूड़ी हती अने आफ्रिकामां हाथी दांत माटे शिकारीओ हाथीने मारता होय ते वक्ते दुनियाना देशोए आफ्रिकाथी आवता लोको पर हाथी दांतनी वस्तु लावा प्रतिबंध कर्यो हतो। आ मुद्दाने लईने कस्टम ऑफिसरे परबतभाईने मुंबई एरपोर्टमां रोक्या अने नाणानी मांगणी करी। परबतभाई पासे रूपिया न हता। लड़त लड़ाई अखबारोमां समाचारों छपाया अने सीआईडी क्राइम ब्रांचने तपास सौंपाई अने कस्टम ऑफिसरने सस्पेंड कराया। सत्यनी जीत थई। ते वक्ते सरलीमां असामाजिक लोकोनो त्रास वध्यो हतो। अन्यो लेवा पटेल समाजने दबावता हता, तेना विरोधमां मोर्चो काढ्यो हतो अने अन्याय नहीं चलावी लेवाय तेवो स्पष्ट संदेशो अपायो हतो। युवक संघनी स्थापना पछी ईस्वीसन 1973 मां दिवाळी मिलननी शरूआत थई। ते वक्ते रूपया 250 ना इनामो अपाता हता। युवानोए दिवाळी सम्मेलन मां वॉलीबॉल कबड्डी जेवी रमतो योजवानुं शरू कर्युं। ते वक्ते सामाजिक आयोजनों मां रूपियानी खोट वर्ताती हती। दाता शोधवा पड़ता हता। जमणवार सहित 5,000 खर्च थतो हतो, जेमा चंद्रकना 179 रूपया थता हता। ते वक्ते कांजी प्रेमजी दबासिया भारासरना केशरा गोपाल वरसाणी मददरूप थया हता। पछी युवानोए वार्षिक प्रवास शुरू कर्या, जेमा आनंददायी प्रवृत्तिओ योजवानुं शुरू थयुं, जेमा रस्साखेच हरीफाईओ लोकप्रिय बनी हती। ईस्वीसन 1975 थी दिवाळी सम्मेलनमां सरस्वती सन्मान शुरू करवामां आव्युं। गामो गाम जई पोलियो रोगनी विरुद्ध डोज पीवड़ावानुं युवक संघे काम कर्युं हतुं। ईस्वीसन 1981 कच्छी लेवा पटेल समाजे विश्व परिषद योजी हती। युवक संघे आदरेली प्रवृत्तिओथी वातावरण निर्माण पाम्युं अने शिक्षण माटे वधु प्रयास करवा समाजे नक्की कर्युं अने युवक संघे आणेली जागृतिना कारणे 1988 कन्या संस्कार धामना पाया नंखाया। अत्यार सुधी युवक संघ ने 20 प्रमुखोनी सेवा मळी। श्री आर आर पटेल 1972 ना 1981-82 मां डॉक्टर सामजीभाई हिराणी, 1982-83 मां मावजीभाई हालाय, 1983-84 मां कुंवरजीभाई भूड़िया, भिखालालभाई वागजी पटेल 1984-85 मां नानजीभाई दबासिया 1986 मां 1987 मां आर आर पटेल, 1988 मां हिरजीभाई लाछाणी, 1990 मां अर्जणभाई पिंडोरिया, 1991 मां मनजीभाई लालजी वरसाणी, 1997 मां नवीनभाई रामजी पांचाणी, 1999 मां गोविंदभाई गोरसिया, 2000 साल मां
વિશ્રામભાઈ ભુડિયા, 2002માં પ્રવીણભાઈ પિંડોરિયા, 2003માં રમેશ નારાયણ હાલાઈ, 2007માં રામજીભાઈ સેંગાણી, 2011માં મનજીભાઈ પિંડોરિયા, 2013માં ધનસુખભાઈ સિયાણી અને 2015માં મનજીભાઈ પિંડોરિયા દરેક પ્રમુખોએ સારું કામ કર્યું. ભુજ ખાતે રામદેવજી મહારાજની ઉપસ્થિતિમાં યોગ શિબિરનું આયોજન કરેલ અને નૈરોબી ખાતે ક્રિકેટ રમવા પણ ખેલાડીઓને લઈ ગયેલ. સમાજમાં જરૂરતમંદ પરિવારોને કચ્છી લેવા પટેલ સમાજની માતૃશ્રી મેઘબાઈ પ્રેમજી જેઠા હોસ્પિટલ અને રિસર્ચ સેન્ટરમાં સારવાર દવામાં વિશેષ રાહત આપવા સમાજે સુવિધા કાર્ડની યોજના શરૂ કરી મોટું કામ યુવક સંઘે કરી બતાવ્યું હતું, જેનો લાભ આજે 70,000 પરિવારો લઈ રહ્યા છે. આ ટીમે સરસ્વતી સન્માન અને દિવાળી સંમેલન ગામોમાં જઈ મોટા પાયે કરવાની શરૂઆત કરી અને સમાજના ઉત્સવમાં રમતગમતને આકર્ષક રીતે યોજવાનો પ્રયાસ કર્યો. યુવક સંઘ હંમેશા સમાજના હાથ પગ બની કાર્ય કર્યું છે. આજે 50 વર્ષના સુવર્ણ અવસરે સૌને શુભેચ્છા આપતા વર્તમાન પ્રમુખ મનજીભાઈ પિંડોરિયા. અત્યારના આજના પ્રસંગે જે યુવક સંઘે 50 વર્ષના જે કાર્યો છે એમાં ઘણા બધા પૂર્વ પ્રમુખો અને જે એમની ટીમો ઘણા બધા અલગ અલગ સમયાંતરે કાર્યો કરતા જ હોય છે અને કરતા જ રહ્યા છે અને કરતા જ રહીશું. પરંતુ સમયાંતરે આપણે જે જે કાર્યોમાં બદલાવ કરતા હોઈએ છીએ તો એ આપણે હર હંમેશા કરતા જ રહીશું. યુવાઓના ઉત્કર્ષ માટે યુવક સંઘ હર હંમેશા આપણે કાર્યને આગળ ધપાવવા માટે, હું અત્યારના સમયમાં કહું તો જે ધંધા રોજગાર ક્ષેત્રે અને શૈક્ષણિક ક્ષેત્રે આપણે જેમ બને એમ વધારે યોગદાન આપી અને યુવાઓના ઉત્કર્ષ માટે આપણા સૌના પ્રયત્નો આપણે કરીએ તો આજે આર્થિક સમૃદ્ધિ અને આર્થિક યુવા જો આર્થિક થશે તો સમાજને એમનું હર હંમેશા યોગદાન મળતું જ રહેશે. સાથે અત્યારના સમયમાં આપણે વિચારીએ કે ગવર્મેન્ટ સેક્ટરમાં પણ જે જે વિદ્યાર્થીનીઓ જવાનું હોય એમના માટે પણ અત્યારે યુવક સંઘ સારા એવા પ્રયત્નો કરી રહ્યા છે અને એમાં 50થી વધારે વિદ્યાર્થીનીઓ અહીં જોડાયેલા છે. ભવિષ્યમાં આપણે વિચારીએ તો આના માટે નવું આપણે જે સંકુલ બનાવવા જઈ રહ્યા છીએ એમાં આપણે યુપીએસસી જીપીએસસી લેવલના પણ આપણે ક્લાસો અહીં કોમ્યુનિકેશન્સ અને સારી લાઇબ્રેરીથી આપણે સુસજ્જ થઈ અને એ આપણું ભવિષ્ય છે કે યુવા વર્ગને આપણે જે ગવર્મેન્ટ ક્ષેત્ર હોય કે ધંધા રોજગાર ક્ષેત્ર હોય કે મોટિવેશનલ ક્ષેત્રે હોય આપ સૌ યુવાઓને સાથે રાખી અને આ કાર્યમાં સૌ યુવાઓ હર હંમેશા જોડાય અને એ જ આપણો હર હંમેશા આગળ વધતા રહીએ એ શુભેચ્છા. આભાર, ધન્યવાદ.